हेलो। हेलो जी, सल्लू बात कर रहा हूँ। हाँ, कैसे हो तुम? अच्छा, ठीक हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। निता का फोन आया था, मुझे मिलना चाहती है वो मुझसे। मुझे सिर्फ इतना जानना था कि जो बातें मैंने आपसे कही, कहीं आपने उसको। नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। तुम मिल सकते हो उससे। अच्छा सुनो, तुम्हारी उससे जो भी बात हो प्लीज मुझे जरूर बताना। जी ठीक है। सल्लू, सल्लू बेटा आ जाओ, नाश्ता बन गया है। अम्मी, मैं नाश्ता बाद में करूंगा, एक जगह जरा जरूरी काम से जाना है। जरूरी काम? वो निदा से मिलना, उसका फोन आया था। निदा से? जी इस निदा के चक्कर में ना तुम अपना आप खो बैठे हो। थी कहाँ ये लड़की इतने दिनों से? मुझे कैसे पता चलेगा? अम्मी जाऊंगा, मिलूंगा, तभी तो पता चलेगा ना। देखो, जितना तुमने मुझे इस लड़की के बारे में बताया है, मुझे ये लड़की और इसका खानदान कुछ ठीक नहीं लगता। निदा एक अच्छी लड़की है, उसका घर भी अच्छा है, हो सकता है शहर से बाहर किसी रिश्तेदार से मिलने गई हो। अम्मी आप जानती हैं मैं उससे प्यार करता हूँ, और अम्मी शादी मुझे उसी से करनी है। मैंने सोच लिया है मैं उसी को आपकी बहू बनाऊंगा। निदा के लिए तुम्हारी दीवानगी देखकर ना मैं हार मान जाती हूँ, वरना तुम्हारे लिए एक से एक अच्छा रिश्ता मैं तलाश कर सकती हूँ। आपसे दुआ करें अपने बेटे के लिए कि उसको उसकी मोहब्बत मिल जाए। बेटा, मेरी दुआएं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हैं, लेकिन निदा और उसकी फैमिली को लेकर कुछ अजीब से वसवसे होते हैं दिल में। आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आके नाश्ता करता हूँ।